भाई मैं जब भी यहाँ से गुजरता हूँ ना, मेरे को ऊपर देख के मेरी बड़ी फटती है ये देख के कि ये कभी गिर विर ना जाए। लेफ्ट से ही चलाओ भाई। तो प्लान जरूर कैंसिल हुआ लेकिन मूड अभी भी बाहर जाने का है। जिन लोगों को नहीं मालूम, मेरा और मेहुल का प्लान था नासिक जाने का। एक्चुअली मेरा कुछ पर्सनल काम था लेकिन वो आज वो नहीं हो पाएगा। रीज़न भी क्योंकि वहाँ पर भी काफ़ी बारिश गिर रही है, तो मेरा वाला मतलब नहीं बाहर जाके। और मुंबई में भी काफ़ी जोरों से बारिश हो रही है, लेकिन मेरा मूड है कि मैं टाइगर लेके बाहर जाऊँ और दिखाऊँ कि आप लोगों को क्या हो रहा है, बिकॉज अभी बारिश थोड़ी कम हुई है। व्हाटएवर इट इज, वेलकम बैक टू द चैनल एवरीवन। आई होप यू गाइस आर डूइंग एब्सोल्युटली फाइन। वसीम शेख गाइस, ये हो रहा है हमारा जूम कॉल मीटिंग विथ आवर फेलो सब्सक्राइबर्स। बहुत सारे लोग हैं यार ये तो। चलो गाइस बाय। रियलाइज ही नहीं हुआ 1.5 घंटे से जूम कॉल पे था, अभी फटफट में फ्रेश होता हूं, अपने को निकलना अंधेरे, बिकॉज शानिस का जो कैमरा रिपेयरिंग को दिया था वो पिकअप करना है। लेकिन बाहर मुझे बहुत टाइम से तेज हवा और आवाज आ रही है ये। तो मैं जूम कॉल में थड़ाम थुड़ुम पूरा झाड़ वाड़ हिल रहा है, खिड़की ऐसे ऐसे हिल रहा था, बोला ये कौन सा आ गया भाई। मन कर रहा है टाइगर निकालो, लेकिन टाइगर में स्पेस का प्रॉब्लम है ना। तो आज राइडिंग पैंट पहन के मैं बाहर निकला हूँ। पहले तो प्लान था कि टाइगर लेके निकलूंगा, लेकिन फिर मैंने टाइगर लेके मुंबई में निकलना सही नहीं है। एक्चुअली मुझे अंधेरी जाना है। शानिस का एक कैमरा था, वो पैनासोनिक का, उसका माइक पोर्ट खराब हो गया था, तो वो रिपेयर कराना, तो रिपेयर हो गया है। अभी हम लोग को 5 बजे के पहले पहुँचना है, अभी 4:20 हो रहे हैं। अरे मैं वसीम के एक्सेस चला रहा हूँ जो कि बार बार जो है बंद होती है। मुझे लग रहा था मेरी खराब है, लेकिन वसीम के चला के समझ में आया वसीम का तो हालत और भी खराब है। अरे फिर बंद हो गया। अरे अरे बाप रे बाप, कितनी बंद होती है यार, क्योंकि ये इसकी चलती बहुत है ना। तो मैंने बोला अभी पोंचो पहन के कोई मतलब नहीं, बिकॉज पोंचो क्या हवा बहुत चल रही है, साइड से पानी घुस जाता है, फिर गीला हो जाता हूँ। तो मैं राइडिंग पैंट पहन के निकला और ये वाला जैकेट, तो अपने को टेंशन नहीं है बारिश का, कितनी भी बारिश गिरे। एंड द रीज़न आई एम राइडिंग वसीम्स एक्सेस, बिकॉज वसीम आगे खड़ा है, मेरी एक्सेस में पेट्रोल बहुत कम था तो पेट्रोल भरने निकला है। तो मैंने काम कर, तू आगे जा, मैं जरा राइडिंग जैकेट और राइडिंग पैंट पहन के आता हूँ। और हवा बहुत है गाइस, बहुत ज़्यादा तेज़ हवा है। एज यू कैन सी रोड पूरे खाली है, बिकॉज सब लोगों को घर पे रहने का बोला गया है। मैं तो फुल सोचा था कि टाइगर लेके टाउन वाउन जाऊँगा, जो भी है दिखाऊँगा, लेकिन फिर वो एक्सेस में करना थोड़ा जो है मुश्किल हो जाएगा। ये रहो ये अपना बैटमैन खड़ा है इधर, बैटमैन ये देख बंद हो गए फिर से, कर भाई उसका कुछ। ये क्या हो गया भाई, तेरी भी नहीं मेरी भी नहीं, क्या किया तूने ऐसा मेरे एक्सेस के साथ। हो गए, जय श्री राम। चलो भाई बहुत बड़ी गलती कर दी, इसके अभी तक सर्विसिंग नहीं करके चालू होने को कितना टाइम लेती है। और रिस्क क्या है कि चलते चलते में जब बंद होती है ना, दैट इज़ वेरी बैड थिंग, बिकॉज कभी आपके पीछे कोई ट्रक गाड़ी और आपके एक्सेस बंद हो जाए, अब भी सस्ते में रुक जाओगे, दैट इज़ नॉट गुड ना। अभी ये जो जिसके ऊपर हम लोग चला रहे हैं ये बहुत ही स्लिपरी होता है, थोड़ा भी गलत ब्रेक मारा कुछ किया तो सीधा स्कूटर ऐसे हो जाएगी, तो यहाँ पर जरा ध्यान से चलाना पड़ता है। अभी देखो पैर रखूंगा ना मैं तो लिटरली, अरे बाप रे लिटरली बहुत ज़्यादा, ये देखो बहुत ही स्लिपरी रहता है, लिटरली स्लिप होती है। अंडरग्राउंड मेट्रो का पूरा काम चल रहा है ना, सुना है कि रुका हुआ है, बाकी अपने पता नहीं कहीं इधर ही है। ये वाली बिल्डिंग में जाने का 3rd फ्लोर में, तू किधर है वैसे पीछे। अभी यहाँ से कहाँ एंट्री कहाँ से पता नहीं, ओ तेरी। और ये रॉन्ग वे नहीं जा रहा हूँ, ये ऐसे ही जाता है रास्ता, पब्लिक बोली रॉन्ग वे जा रहा है पक्का। ये बिल्डिंग बाहर खड़ा कर रहा है, बस बता दो ये जगह है कि नहीं। बारिश में कोई जगह ढूंढना होना यार, बड़ा हालत खराब होती है, बट कोई नहीं अपन इधर पार्क करते हैं। आई एम कम्प्लीटली ड्राई फ्रॉम इनसाइड यार। एक्चुअली ऐसा कुछ सिटी राइडिंग के लिए भी बनना चाहिए, ऐसा जैकेट और पैंट गोटेक्स का, इतना कंफर्टेबल फील ही नहीं हो रहा है कुछ, और गर्म नहीं लग रहा, सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट वो चीज़ है। चलो अंदर आ गए। ओहो मैं बोला ये कौन है सामने से, हमारा चमगादड़ दोस्त। वाटर इज गोइंग लाइक नथिंग, पैनासोनिक। और यहाँ सब कुछ अभी रिपेयर हो रहा है। अरे बाप रे ये कौन सा बड़ा कैमरा है, प्रोजेक्टर है। ये मेन चेंज करने बोला था और ये हो गया, आई गेस नया ही लग रहा है। हां ऑब्वियसली चलो सर, माइक लगा के टेस्ट करना। माइक है आपके पास? ये चुके मैं कर देता हूँ, थैंक यू सो मच। साइन करना है, यहाँ से व्यू अच्छा है यार इन लोगों का। ये मेट्रो, चलो ये काम अच्छे से हो गया, अभी अपने को जाने का मलाड़। चलो वसीम उठ जा। चलो वसीम बोल रहा है गोटेक्स वाले को चड्डी निकालना चाहिए। अरे जब इतना बड़ा पैंट निकाले तो वो चड्डी क्यों चाहिए। ये एक्सेस का सबसे बड़ा फ़ायदा, सब कुछ अपन अंदर डाल सकते हैं, अच्छे से कवर करके रखते हैं, खड्डा विड्डा आएगा अपने को नहीं चाहिए। शानिस का कैमरा टूट जाए, अच्छे से सिक्योर्ड हो गया। ये स्कूटर का फ़ायदा होता है मुंबई में, बना ले तू, मैं उधर खड़ा हूँ। सुनने में आया लास्ट 24 आवर्स में 55,000 प्लस कोरोना वायरस केसेस आए। यार कोरोना वायरस भी ऐसे खड़ा रहता रहेगा ना, ये क्या है भैया। 4 महीने का बंद शटडाउन का को किया, ओ सॉरी आई फॉरगॉट, प्रिपेयर कर रहे थे 4 महीना, प्रिपेयर कर रहे थे हम लोग। भाई मैं जब भी यहाँ से गुजरता हूँ ना, मेरे को ऊपर देख के मेरी बड़ी फटती है ये देख के, ये कभी गिर विर ना जाए। लेफ्ट से ही चलाओ भाई। मैं ऊपर देख रहा हूँ, सब वसीम पीछे है ना, सब मेरा देखे देखे सब ऊपर देख रहे हैं, ये ऊपर क्यों देख रहा है भाई। हियर गो शानिस, दिस इज योर कैमरा, माइक इज फिक्स्ड, नो टेंशन नथिंग। और बहुत ही अच्छा किया मैं राइडिंग जैकेट राइडिंग पैंट पहन गया, पूरा सूखा हूँ, और स्पेशली यहाँ से यू नो व्हाट आई मीन, यहाँ से गीला होता तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। शानिस हाउ डू यू फील नाउ? आई फील
The way she said good, it means not okay. Yeah, I could say. So say na not okay. I don't want to say not okay, then the body's listening. But if you'll say I'm good, I'll plan something, then you'll say no, that's won't cancel. Now you'll have to go alone only sometime. मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरे वाटरप्रूफ शूज के अंदर पानी फॉर श्योर चले गया है, ऐसी वाली आवाज आ रही है, अभी मालूम पड़ेगा. या कंप्लीटली वेट, लगता है इसकी वाटरप्रूफिंग खत्म हो गई है. तो इसकी वाटरप्रूफिंग खत्म हो गई है तो इसमें छेद हो गया है. छेद कैसे हो सकता है, मैंने इतना ओवर यूज किया नहीं है. पर चलो कोई नहीं यार, आई थिंक इज वाटर रेजिस्टेंट नाउ बिकॉज बहुत तेज बारिश थी. आप देख के बता सकते हो, लेकिन बहुत अच्छा हुआ मैंने ये पहना. सूखा कंप्लीटली ड्राई, यहाँ पे हल्का हल्का भीगा बिकॉज मैंने वो जिप खोल दी थी गलती से, और अभी सुखाना पड़ेगा वरना ये स्मेल करेगा बहुत ही भयंकर वाला. तो ये जूते को मैंने ऐसा रख दिया था ताकि पूरा जो पानी है वो निकल जाए. अभी भी थोड़ा गीला है, को टाइम लगेगा क्योंकि बारिश तो हवे में वो नमी होती है ना करके कुछ भी चीज़ सूखने को बहुत ज़्यादा टाइम लेता है. बाय द वे जो व्लॉग है ये मैंने 4K में शूट किया है, काफ़ी टाइम पहले मैंने 4K व्लॉग बनाया था. आप लोगों का रिस्पॉन्ड भी ठीक ठाक था, लेकिन प्रॉब्लम है कि उसको अपलोड करने में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है. यूजली जो मेरा व्लॉग है 10 से 15 मिनट में अपलोड हो जाता है, 4K व्लॉग मेरे इंटरनेट स्पीड में 1 घंटे के ऊपर लगता है. और अपलोड होने के बाद 1080p से 4K आने के लिए भी उसको 3 से 4 घंटा लगते हैं. तो अगर आप ये शुरू शुरू में देख रहे हो और 4K नहीं दिख रहा है, दैट इज़ बिकॉज उसको टाइम लग रहा है वो प्रोसेस होकर आने के लिए. मैंने काफ़ी सारे इंटरनेशनल ब्लॉगर्स देखे जो बहुत सारे ब्लॉग्स और वीडियोज़ 4K में बना रहे हैं, बिकॉज फ्यूचर वही है. मोस्ट ऑफ द लोग टीवी में देखते हैं, 4K फोन्स आ गए हैं, 4K लैपटॉप डिस्प्ले हैं, और 4K में क्वालिटी बहुत ज़्यादा अच्छी दिखती है. मेरा कैमरा 4K 30 सपोर्ट करता है, 4K 66 सपोर्ट नहीं करता है. अभी जो नया सोनी का कैमरा है A7S3, उसमें 4K 120 सपोर्ट करता है, लेकिन भाई वो बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव है और उसको टाइम है. बिकॉज अभी सोनी चीटिंग करता है यार, सोनी पहले A7R4 निकलता है और फिर झट से कुछ टाइम में A7S3 निकलता है. जो और वैसे ही 4K 60 शायद मैं शूट ना करूँ बिकॉज 4K 30 में जब इतना टाइम लगता है सब कुछ होने के लिए, तो 4K 60 तो पता नहीं कितना टाइम लगेगा. बट जो भी है जैसा भी है, डेली लॉग में मुश्किल होगा, बट मैं करने की कोशिश करूंगा. ये अगेन एक एक्सपेरिमेंट है. और आप लोगों ने जो सिमरन के लिए कमेंट किया, थैंक यू सो वेरी मच. आई एम प्रीटी श्योर व्हेन शी विल रिकवर शी विल लव रीडिंग दोस कमेंट्स. अभी फिलहाल शी इज गोइंग थ्रू एन ऑपरेशन एज वी टॉक, उसका भी ऑपरेशन चालू है. तो वेन एवर शी विल रिकवर एंड शी एबल टू रीड द मैसेजेस, मैं उसको जरूर मैसेज दिखाऊंगा. थैंक यू वेरी मच वॉचिंग दिस वीडियो गाइज. अभी क्या बारिश का टाइम है ना करके मैं व्लॉग को लंबा नहीं बना पा रहा और ज़्यादा कुछ कर नहीं रहा हूँ करके, ज़्यादा कुछ शूट नहीं हो रहा है. तो यहाँ तक देखने के लिए थैंक यू वेरी मच, एंड डोंट फॉरगेट टू हिट द लाइक बटन. नए और सब्सक्राइब करो. विद दैट सेड एज ऑलवेज, शुक्रिया, अलविदा, मा सलामा, टेक केयर एंड डू व्हाटएवर यू वांट. माय लवली फ्रेंड्स, मिलते हैं फिर किसी ऐसे व्लॉग में, होपफुली लंबा. बाय बाय, शपक है.